नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रतहरा टोल प्लाजा में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब एक फाइनेंसर टोल प्लाजा के अंदर घुसकर काउंटर से निकाल लिए 1250 रुपए। इसका पूरा खेल सीसीटीवी लगे कैमरे में कैद हो गया। फाइनेंसर चोर का कोतवाली पुलिस कह रही है बचाव कर रही है, नहीं दर्ज किया अभी तक चोरी का मामला। रथरा टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा जानकारी दी गई कि ये फाइनेंसर है जो 1250 रुपए की चोरी की है, जिसका पूरा खेल सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसकी शिकायत लेकर कोतवाली थाने जाते हैं, लेकिन कोतवाली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज नहीं किया। तो आए हैं और कितने बजे? 3:50। हाँ हाँ जी, सवेरे का टाइम आए हैं और उसके बाद बूथ के अंदर घुस गए और इनको ये पता नहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें से लड़का जो है काउंटर वाला वो बाथरूम चला गया और उतनी ही देर में इन्होंने 1250 रुपये निकाल लिए। उसके बाद हट गए और हटने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद आए, फिर इनको पकड़ लिया गया जब हम लोगों ने कैमरे में देखवाया। तो ये वहीं के कर्मचारी हैं? नहीं, तो ये फाइनेंस का काम करते हैं, गाड़ी वगैरह को पकड़ते करते हैं। ऑडियो समझ लीजिए। नहीं, ये वहाँ से पैसे लेने के बाद निकल गए काउंटर से? निकल गए थे और फिर वापस हम लोगों ने सीसीटीवी में देख लिया था, तीन का चेहरा देख के पकड़ लिया। ये कौन से टोल प्लाजा की? रतहरा टोल प्लाजा की। क्या नाम है आपका? डीएस मिश्रा। और तो कुछ नहीं चुराए थे? नहीं, और कुछ नहीं चुराए।